हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम शुरुआत करते बेसिक लेसन से। और बेसिक लेसन में सबसे पहला लेसन हम अलंकार लेंगे। और ये जो होती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुरुआत होती है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर जिसके गले में बेस है, तीन ऐसे प्लेस में आपको बताऊंगा जहाँ से अच्छे अच्छी तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो तीन प्लेस में से कोई एक प्लेस का आपको चुनना होगा, तो वो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिसका बेस है, जिसके गले में बेस है, तो वो इस प्लेस से या इसको सा मान के यूज करें। और अगर जिसके गले में अगर शार्प है, जिसका गला बहुत जिसका टोन हाई है, पिच तेज है, वो यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। और अगर ये दोनों में से अगर आपका बीच का अगर टोन हो या बीच का अगर वॉइस हो आपका, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो ये कैसे शुरू होता है, देखिए सारेगामा पाधानी सा जो है, ये तीन प्लेस से मैं आपको बजा के बताऊंगा। और तीन प्लेस में से आपको कोई एक चुनना है ना। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, हम बीट से लेते हैं डायरेक्ट। ये काली चार इसको कहते हैं। अब मैं काली पांच से इसको शुरू करूंगा, ये पांचवा है, काली पांच है ना। अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब काली एक प्लेस ये है। अब हम यहां से शुरू करेंगे, तो देखा आपने, ये तीन जगह से मैंने आपको बजा के बताया। लेकिन हम कोई एक प्लेस से स्टार्ट करते हैं, और ये स्टैंडर्ड स्केल ये होता है काली एक। अगर आप काली एक से अगर आप गाना बजाना करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनरली काली एक ही लोग पसंद करते हैं ना। तो चलिए हम काली एक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बस यही है, देखिए ये तर्जनी और मध्यमा ये दोनों, ये सारे, ठीक है। फिर उसके बाद गा अंगूठे से, फिर ये तीन तर्जनी मध्यमा और ये गा हो गया अंगूठे से। अब ठीक मा पा धा है ना। अब उसके बाद ये नीचे वाली जितनी है वो सब अंगूठे से आएगी, प धनी, ठीक। अब धनी सा ठीक, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब सानी धापा मगा सा, जैसे गए वैसे ही वापस आना, बस वही। तो ये बेसिक लेसन मेरा पहला था, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आसपास लोगों को भी बताइए, है ना। शुरुआत मेरी यही थी, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में हम दूसरे और तीसरे अलंकार के बारे में सीखेंगे।